इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो पेरिफॉर्मिस के नीचे जा रही है, पेरिफॉर्मिस के नीचे जा रही है वो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, और इंटरनल पुडेनल नर्व हो जाएगी, ठीक। अब आ गए पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में सबसे पहले जो ऊपर जा रही है ये एरियो लंबर आर्टरी हो जाएगी और वेन, ठीक है, और ये जो सैक्रल प्लेक्सस के आगे से जा रही है लैटरल सैक्रल आर्टरी हो गई, और जो फिर देखो पेरिफॉर्मिस के ऊपर से जा रही है तो कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सही समझ आ रहा है। ये एक दफ़ा दो तीन दफ़ा करोगे तुम्हें भी ऐसा रटा लग जाएगा, मैंने भी रटा ही मारा। अच्छा ये L5 जैसे ये क्वाड एक है, स्पाइनल कॉर्ड ये नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 भी खत्म हो जाती है, ये सैक्रल वर्टीब्री है, ये कोक्सीजियल वर्टीब्री है, ये हमारे पास एनो कोक्सीजियल बॉडी है, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास पैम्पिनी कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे ये लेवेटर एनआई मसल है, ये देखो ये टेनस आर्क से अराइज हो रहा है, ये लेवेटर एनआई मसल है और ये कोक्सीजियस मसल है, सही है, यहाँ पे आ जाओ, ये पैम्पिनी कॉम्प्लेक्सेस है और ये टेस्टिकुलर आर्टरी वगैरह, ये हमारे पास येलो रंग का ये वास डिफरेंस है और ये क्रीम स्टेरिक मसल है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये हो गया भाई। अच्छा क्या रह गया, हाँ ये कौन सी है, ये आप लोग बताएं ये कौन सी आर्टरी और वो है ये वाली ग्लूटियल नहीं ये डीप सर्का फ्लेक्स हैलियक आर्टरी है, बस और इसमें कुछ भी, हाँ ये प्यूबिक सिंफिसिस हो गया, हाँ और इसमें कोई स्पॉट कहीं लग भी नहीं सकता, हाँ ये देखो ये जो आर्टरी आ रही है मीडियल सैक्रल आर्टरी आ रही है, सही ये मीडियल सैक्रल आर्टरी होगी, तो ये हो गया अभी मेल पेल्विस।